चलिए, हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वेलकम पटेल जी, वेलकम आदिति जी, वेलकम मानसी जी, जफर जी, मुस्कान जी, आरती जी, हर्षित जी, स्नेहा जी, जफर जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज आर्ट एंड कल्चर का दिन है। आज जो दिन है, हम समर्पित करेंगे किसको? जनजातियों को। ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ट्राइब से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने वाला है, जिसमें अपन ट्राइब्स के, जनजातियों के ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट सब तरह के क्वेश्चन जो है कर लेंगे, है ना? सारे क्वेश्चन जो है जनजाति से रिलेटेड है, वही फॉर्मेट है, मैप के थ्रू लेके आया हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आपके लिए हेल्प होने वाली है MBBSC के इस प्रिलिम्स में, ठीक है? चलिए, शुरू करने से पहले, जो लोग अभी तक अनअकैडमी पर नहीं आए हैं, आपका स्वागत है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आइए। अनअकैडमी पर फ्री प्लान के तहत, एकदम फ्री प्लान के तहत आपको हर हफ्ते 500 से भी ज़्यादा क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे कि आप आपकी तैयारी को और तेज धार दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक फ्री टेस्ट सीरीज चलती है मंडे से फ्राइडे तक, जिसमें 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने रहते हैं और रोज रात को 8 बजे होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें तो अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेना चाह रहे हैं तो उस पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% 15% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप ये टेस्ट देते हैं जो कि 11 तारीख, 18 तारीख और 23 तारीख को रहेगा, अगर इसके आप टेस्ट देते हैं तो टॉप 3 को 50% और बाकियों को 4 से 100 तक को 25% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन पर। नेक्स्ट, अगर बात करें तो कैसे आपको अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को, तो पहले अनअकैडमी आपको डाउनलोड करिए, वहाँ पर MBBSC एंड व्यापम सेक्शन पर जाइए और यहाँ पर कोड आपसे मांगेगा, तो यहाँ पर कोड डाल दीजिएगा अंश10, है ना? जैसे ही आप ये कोड डालेंगे, अनलॉक हो जाएगा और आप सारी चीज़ें जो है, टेस्ट सीरीज और ये सब जो है देख पाएंगे, है ना? ये सारे फायदे हैं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। फिर प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसके लिए क्या करें, ये ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ऑफर जो है इसके लिए, पहले 11 जुलाई तक था, पर हरी रिस्पॉन्स के चलते इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 साल पर 3 महीने और 1 साल पर 2 महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो अंश10 जो है वो कोड आपको यूज़ करना रहेगा, है ना? गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप अंश10 लगाएंगे तो जो प्राइस आपको दिख रहा है इसमें 10% और कम हो जाएगा, है ना? कितने का है तो यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 साल का 8,800, 1 साल, 2 साल का 12,800, 1 साल का 8,800, इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने दी हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर ये सारे मेरे सब्जेक्ट हैं जो मैं प्लस पर पढ़ाता हूँ, अगर आप प्लस पर आएंगे तो अपनी मुलाकात होगी। और ये सारे सब्जेक्ट मैं अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी MPG के चल रहा है, कल से एक और चालू कर रहे हैं, मिसलेनियस का कोर्स जो कि प्लस पर रहेगा। फिर साइंस अगस्त से आ रहा है और अक्टूबर में क्वालिटी शुरू करेंगे। नेक्स्ट, फिर ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख लीजिएगा, ये एग्जाम्स मैंने क्रैक करी है और सारी चीज़ें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्राइब ऑफ अलीराजपुर? आपको बताना है अलीराजपुर में आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, खासी जनजाति, भिलाला जनजाति, कोरकू जनजाति या बिरजिया जनजाति? इनमें से कौन सी जनजाति जो है आपको देखने को मिल जाएगी अलीराजपुर वाले क्षेत्र में? चलिए, अभी तक आंसर आ रहे हैं सभी के बी, बिल्कुल सही। लाइक दबाते चलना, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, लाइक करते चले भैया। मंदिर के पहले, मंदिर में भगवान के दर्शन के पहले घंटा बजाते, वैसे लाइक बटन दबाते चलो। खासी तो यहाँ की है ही नहीं, अरे क्या बात है, बिल्कुल सही। भिलाला जनजाति, जिन्होंने भी सही जवाब दिया लगाया है, बिल्कुल सही जवाब लगाया है। भिलाला जनजाति जो रहती है, यह भीलों की ही एक उपजाति है। किसकी जनजाति है, तो भीलों की ही एक उपजनजाति है, जिसे हम भिलाला कहते हैं, है ना? ये जनजाति आपको अलीराजपुर में, झाबुआ में इधर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अगर हम भिलाला जनजाति की बात करें तो अलीराजपुर में 89% 90% जनजाति जो है, भिलाला जनजाति की जो है, वो यहाँ पर रहते हैं, है ना? 89%, है ना? भिलाला कौन होते हैं, तो भील जनजाति के ही लोग होते हैं जिन्हें हम भिलाला कहते हैं, ठीक है? अब कोरकू जनजाति जो है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर आया था कोरकू जनजाति का, एक ऑप्शन आया बिरजिया और एक आया खासी। तो तीनों की एक एक कर बात कर लेते हैं। कोरकू जनजाति आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी,
कहाँ पर, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी, कोरकू जनजाति है ना, और बैतूल में देखने को मिल जाएगी। खासी की बात करें तो मेघालय, असम और बांग्लादेश में खासी जनजाति मिलती है, और ये जो बिरजिया जनजाति दी है ये कहाँ मिलती है, झारखंड में मिलती है। थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, कभी कभी इधर उधर घुमा देते हैं क्वेश्चन को, और बाहर की जनजाति खासकर खासी इंपॉर्टेंट है ना। खासी जनजाति कहाँ पर है, तो मेघालय, असम, बांग्लादेश में मिलेगी। अब बात करें अगर इसकी भिलाला जनजाति की, तो ये किधर आते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही, महाराणा प्रताप वाले 2000 सेंसस के क्वेश्चन भी कर देना, बिल्कुल 2000 सेंसस 11 के सेंसस के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। हाँ खासी हिल अलग से, बिल्कुल सही, खासी हिल, खासी पहाड़ी आपने देखी होगी है ना, तो वही है, वहीं पर ये जनजाति जो है रहती है। अब बात करें भील जनजाति की, कि भैया भील जनजाति मिलती कहाँ से है ना, तो ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं मैप में, आज आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा मैप में जगह दी है, खुद को अलग किया है, मैप को अलग किया है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है ये किसका होता है, ये भील जनजाति का होता है। किसका है, ये भील जनजाति का क्षेत्र है ना। हमने भीलों की ही बात करी कि भील की जनजाति जो है भिलाला जनजाति उपजाति है ना, तो ये जो आप मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग जो देख रहे हैं उसमें आपको ये जनजाति देखने को मिलती है, जिन्हें ही हम कहते हैं भील जनजाति या भिलाला जनजाति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पातालकोट नामक प्लेस में डाउट है, थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य रखिए, पातालकोट भी लेके चलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, भगोरिया उत्सव जो है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, इंदौर में, होशंगाबाद में, भोपाल में, या झाबुआ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भगोरिया उत्सव आपको कहां पर देखने को मिलेगा, चलिए झाबुआ, बिल्कुल सही, झाबुआ में, बिल्कुल सही जवाब दिया है, झाबुआ वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा भगोरिया उत्सव। अब ये बता दीजिए, भगोरिया उत्सव हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के किस उत्सव के समय पर मनाया जाता है ना, ये उत्सव जो है वो किस समय पर मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव, बिल्कुल सही, होली के टाइम पर है ना, होली के टाइम पर ये उत्सव बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भगोरिया उत्सव जो है कहते हैं। कहाँ पर होता है, तो झाबुआ वाले एरिया में जो है ये उत्सव होता है, सबसे बड़ा भील जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव होता है भगोरिया, जिसको मध्य प्रदेश सरकार भी कवर करती है ना, मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए जो है बना के देती है, पूरा उत्सव का सेटअप जो है वो पूरा बना के देती है। ये उत्सव कब होता है, तो फरवरी मार्च के टाइम पर ये उत्सव होता है, कब होता है, फरवरी मार्च में होता है भगोरिया उत्सव। अब भगोरिया उत्सव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि राजा भोज के द्वारा ही भगोरिया उत्सव जो है वो चालू किया गया था। किसके द्वारा, धार के राजा, है ना, धार के राजा, राजा भोज के द्वारा ही भगोरिया उत्सव जो है वो चालू किया गया था। और इस टाइम पर दो भील राजा हुआ करते थे, कसुमार और बलून, है ना, बलून और कसुमार नाम के दो राजा हुआ करते थे। उन्होंने ये उत्सव बनाने की, ये मेला बनाने की शुरुआत करी, है ना। इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इनकी राजधानी भगोर हुआ करती थी, और यहीं से नाम आया क्या, भगोरिया। इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा किसे प्यार का त्यौहार कहा जाता है, तो भगोरिया को ही क्या कहा जाता है, प्यार का त्यौहार कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है भगोरिया। अभी अपन जब जनजाति पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनजाति जब प्लस पर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताऊंगा। इसी में एक उत्सव होता है उजाड़िया, है ना, उजाड़िया उत्सव होता है, भगोरिया उत्सव होता है, ये भगोरिया के ही पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, एक बहुत बड़ा मेला जो है वो इसमें लगता है, ठीक है। पाँच दिनी उत्सव रहता है, तीन नहीं पाँच दिनी उत्सव रहता है, आखिरी दो दिन जो है उजाड़िया के लिए दिए जाते हैं। भील जनजाति है ना, भील जनजाति का मुख्य उत्सव है, वैसे तो सारी ही जनजाति है, लेकिन मेजर उसमें आप देखेंगे तो भील जनजाति का ये उत्सव होता है। ये उत्सव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो धार वाले क्षेत्र में, झाबुआ वाले क्षेत्र में, और खरगोन वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ गोल गधेड़ो भी इसमें ही होता है ना, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ये सब भगोरिया के ही पार्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट के दो दिन उजाड़िया कहलाते हैं, लास्ट के दो दिन होते हैं उजाड़िया के, ठीक है। तो अभी हमने भील जनजाति की बात करी, तो ये वाला एरिया आ गया, यहाँ झाबुआ है, झाबुआ पर ही ये फेस्टिवल होता है। राजा भोज ने ट्राइब्स के लिए स्टार्ट करवाया था, हाँ ऐसा बुक्स में दिया गया है कि राजा भोज ने जब ये जनजातियाँ यहाँ पर रहती थी, और इन जनजातियाँ जो छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, मतलब जो छोटे छोटे राजा हैं, ये राजा राजा भोज के संपर्क में थे, तो राजा भोज ने इनके इकोनॉमिक उत्थान के लिए जो है ये फेस्टिवल की शुरुआत करवाई थी, ऐसा बताया जाता है, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से भारिया जनजाति से जुड़ा हुआ है? भारिया जनजाति जो है ये किस क्षेत्र में निवास करती है? विच रीजन इज एसोसिएटेड विद भारिया ट्राइब? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पतालकोट, बैगाचक, रामपुर या ऊपर के सभी। बहुत ही अच्छा, इससे देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी बताता हूँ। अरे क्या बात है, अरे सरकारी ऑप्शन पर कोई लगा ही नहीं रहा यार, ऐसा क्या हो गया? सरकारी ऑप्शन पर कोई नहीं गया आज, अब कंफ्यूजन खत्म। बिल्कुल आज कंफ्यूजन आपका खत्म कर दिया जाएगा। भारिया जनजाति है ना, भारिया जनजाति जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? पातालकोट में देखने को मिल जाएगी, है ना। पातालकोट कहाँ पर आता है? तो छिंदवाड़ा में आता है आपका पातालकोट, ठीक है। अब ये जो पातालकोट है ये क्या है? ये गहराई में है। कितना नीचे है? 17 फीट नीचे है, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैदान है तो इससे 17 फीट नीचे पर जाकर आपको एक जगह मिलेगी और इसी जगह को हम क्या कहते हैं? पातालकोट कहते हैं। और यहाँ पर कौन निवास करते हैं? तो यहाँ पर निवास करती है भारिया जनजाति। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी उपजाति है भारिया? भारिया किसकी उपजाति मानी जाती है? किस जनजाति की उपजाति मानी जाती है भारिया? बताओ, कमेंट करके बताओ, किस उपजाति, किस जनजाति की उपजाति मानी जाती है भारिया? गुप्ता जी का आंसर आ गया है गोंड। और कोई? पीवीटीजी ट्राइब, हाँ बिल्कुल सही, पीवीटीजी ट्राइब में आती है भारिया, बैगा और सहरिया, बिल्कुल सही। पर ये बताइए किसकी उपजाति है भारिया जनजाति, किसकी जनजाति कहलाती है? भीलों की, भदोरिया। भदोरिया कौन सी जनजाति हो गई? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी गोंड आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, गोंड जनजाति की ही उपजाति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? भारिया कहते हैं। ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उपजातियों से रिलेटेड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, उपजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भारिया जनजाति जो है वो गोंडों की उपजाति है, है ना, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब पता नहीं था, ओके। अब विशेष तौर पर ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे? इसे याद रखने की क्या कैसे तरीका है? तो भारिया मतलब कोई भारी व्यक्ति है, क्या है? कोई भारी व्यक्ति है। अब भारी व्यक्ति होगा तो उसकी क्या होगी? उसकी तोंद जो है वो गोल मटोल होगी, है ना। तो तोंद से क्या हो गया? गोंड हो गया, है ना, तोंद से कर देना गोंड, ठीक है। तो तोंद, गोंड और भारी, है ना, जिसकी तोंद, जो भारी है उसकी तोंद होगी और वो क्या है? गोंड में आएगा। ऐसे करके याद कर लेना, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए गोंडों की एक उपशाखा है जिसे हम क्या कहते हैं? भारिया कहते हैं, जो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? पातालकोट वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। अब रही बात पातालकोट की, तो अभी थोड़ा इंतजार करो, क्वेश्चन छुपा हुआ है इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर हमने बात कर ली भारिया जनजाति की, तो ये जो हरे हरे में आप देख रहे हैं, ये छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, सिवनी वाला क्षेत्र, मंडला वाला और जबलपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी? भारिया जनजाति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और गोंड जनजाति जो है थोड़ा सा और आगे कनेक्ट कर देना, है ना, इधर बैतूल वाला क्षेत्र आ गया और डिंडोरी वाला क्षेत्र आ गया, तो गोंड उसमें फैली हुई, मतलब गोंड की ही उपजाति है ना। तो गोंड में दो शहर और बढ़ गए हैं, दो जिले और बढ़ गए हैं, एक जिला बढ़ गया है बैतूल और एक जिला बढ़ गया है डिंडोरी, है ना, और बाकी जितना है तो सेम एज भारिया, है ना, सेम एज भारिया। भारिया के बिल्कुल जैसे कि जैसे ही आपको जनजाति का एरिया मिल जाएगा, किसका? गोंडों का भी, है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो सर वो देवगढ़ वाला फोर्ट वाला, अभी रुक जाओ। अगला क्वेश्चन है, भील किस प्रकार की खेती करने के लिए जाने जाते हैं? भीलों के द्वारा जो खेती करी जाती है उसे क्या कहा जाता है? चिमाटा कहा जाता है, बेवार कहा जाता है, झूम कहा जाता है या पादत कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भील जनजाति का, कि बताइए भील जनजाति के लोग किस तरह की खेती करते हैं। लाइक करते चलो भैया, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक बटन दबाते चलो। उर्मिला जी का आंसर आया है ए, राजेश जी कह रहे हैं झूम, ठीक है, नीलम जी कह रही है झूमिंग। चलिए कोई नहीं, समझते हैं, बिल्कुल सही, चिमाटा जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है ना, चिमाटा जिनके सहारा आंसर दिया गया है बिल्कुल सही है। अब चिमाटा खेती, अब भाई क्या होता है चिमाटा खेती, है ना, अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो चिमाटा, चिमटा कैसे होता है, चिमटा कैसे होता है, ऐसा होता है,
है ना, लंबा होता है ना, इसी को अगर चिमटे को खड़ा कर लोगे तो ऊंचा हो जाएगा। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर है ना, हिल वाले रीजन पर है ना, पहाड़ी वाले क्षेत्र पर जो खेती करी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, चिमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिमाटा की कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट भैया, ठीक है ये बात तो हो गई कि चिमटे से चिमाटा करा, चिमाटा चिमटा लंबा है, हिल पे पहाड़ी पे हो गई। सर मैदान में कौन सी खेती होती है वो भी बता दो, मैदान में भी तो करती है भील जनजाति खेती। तो मैदान के लिए क्या लगाएंगे, मैदान के लिए लगाएंगे झूमती, मैदान के लिए क्या लगाएंगे झूमती, झूमती नाम की खेती जो है वो करी जाती है। और ये झूमती का ही एक और नाम है ना, इसे दाजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाजिया, यहां पर लिख देता हूं मैं, दाजिया या झूमती, ये वो खेती होती है जिसे मैदानों पर करा जाता है, ये वो खेती होती है जिसे प्लेन्स पर करा जाता है। और ये किसके द्वारा करी जाती है, तो भील जनजाति के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। तो हमने भील जनजाति के बारे में समझा, भील जनजाति दो तरह की खेती करती है, एक करती है चिमटा लेकर ऊंचाइयों पर पहाड़ियों पर है ना, और एक झूम झूम के खेती करते हैं है ना, झूम झूम के खेती करते हैं, उसे झूमती खेती कहते हैं, जो मैदानों पर करी जाती है ना। और ये झूमती खेती को ही क्या कहा जाता है, दाजिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, झूमिंग अलग है, ये झूम अलग है, ये झूम अलग है और ये झूमती अलग है, बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है। अभी आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा इंतजार करिए है ना। झूमिंग अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, झूमती अलग चीज़ है ना। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए, आगे क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया चिमाटा के बारे में, हमने पढ़ लिया भील जनजाति के बारे में, हमने पढ़ लिया झूमती के बारे में या दाजिया के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है ना। अब भील जनजाति है तो वही क्षेत्र आ गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैप देखकर समझ जाइएगा है ना कि एरिया क्या होगा। तो ये भील जनजाति वाला एरिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संदर्भ में भील जनजाति का समूह मूल रूप से किस राज्य का है, राज्य का तो नहीं, किस क्षेत्र का है ना। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो किस क्षेत्र के है ये लोग है ना। इन कॉन्टेक्स्ट टू इकोनॉमिक द ग्रुप ऑफ भील ट्राइब बेसिकली बिलोंग टू, ये किसान होते हैं, ये शिकारी और योद्धा होते हैं, ये व्यवसायी होते हैं या ये घुमंतु चरवाहे होते हैं। अरे क्या बात है, लाइक करते चलना भैया, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऋचा जी थोड़ा सा गलत जा रहे हो, घुमंतु चरवाहे अपनी दूसरी जनजाति होती है, बंजारा जनजाति होती है, वो घुमंतु होते हैं है ना, बंजारा होते हैं घुमंतु है ना। हाँ बिल्कुल सही, विलुवर, भील शब्द बना किससे है, विलुवर शब्द से बना है, जिसका मतलब ही क्या होता है, तीर कमान। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, योद्धा होते हैं, शिकारी होते हैं। भील जनजाति के लोग क्या होते हैं, योद्धा और शिकारी होते हैं। अब कैसे याद रखेंगे, तो भील जनजाति के बारे में याद रखना, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। फिर महाराणा प्रताप के साथ में इनके गहरे संबंध थे, महाराणा प्रताप की इन्होंने बहुत मदद करी है युद्ध लड़ने में है ना। और ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो राजस्थान वाले पार्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भील जनजाति, अभी अपन ने भील जनजाति के बारे में देखा कि ये देखो अलीराजपुर झाबुआ ये वाला एरिया है ना, और यहाँ पर ही तो ये राजस्थान वाला पार्ट लगा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र राजस्थान वाला पार्ट आ गया है ना। तो राजस्थान से कनेक्टेड है चूंकि ये, तो राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशज रहे हैं, महाराणा प्रताप को इन्होंने फॉलो किया है, उनकी मदद करी है, महाराणा प्रताप ने इनकी मदद करी हुई है, आज़ादी के टाइम पर महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है ना। और ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं और योद्धा होते हैं, क्योंकि इनका मेन हथियार ही क्या रहता है, धनुष बाण, क्या रहता है, धनुष बाण, गजब का धनुष बाण, गजब के योद्धा रहते हैं है ना, धनुर्धरी रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। टाट्या भील, बिल्कुल सही, आज़ादी में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, अभी जब 1857 के क्रांति के बारे में बताऊंगा तब अपन करेंगे, टाट्या भील ने कैसे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे है ना, बहुत ही गजब है, बहुत ही अजब है मध्य प्रदेश, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, भीलों की बहुत पार्टिसिपेट किया है किसमें, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए इसमें भी इन्होंने, सब बंद कर दो।
वीडियो दिख रहा है क्या? अनुसूची छह अनुसूची